आखिरकार सुबह हो ही गया। तो एक खूबसूरत रात बिताने के बाद सुबह का मंज़र आप लोगों को साथ शेयर करते हुए, माशाल्लाह बहुत प्यारा पानी बह रहे हैं यहाँ पे, और दिखाते हैं वो जो है बच्चा पार्टी है नहा रहा है, और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत व्यू है, और ये जो ऊपर पहाड़ों के व्यूज़ हैं आप लोग देख सकते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारा इलाका है और बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पे माहौल है और एक किस्म का सुकून है। तो जाते हैं आप लोगों को आगे से एक दो पॉइंट और भी शेयर करते हैं। तो माशाल्लाह बहुत प्यारा पानी है, तो देख सकते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये सुबह का मंज़र है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत पानी बह रहा है। आप लोगों को इस जगह का खूबसूरत से खूबसूरत व्यू नज़र आ रहेंगे और व्यूज नज़र आ रहेंगे, पॉइंट नज़र आ रहेंगे कि माशाल्लाह कितना खूबसूरत पानी है, एक स्टेप स्टेप पे पानी बह रहा है। तो बहुत ज़्यादा एक अनबिलीवेबल प्लेस है। तो आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोगों को ये समझ में आ रहा है तो आप लोग हमें ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा और आगे भी शेयर करते रहिएगा हमारे साथ, हमारे ब्लॉग देखते रहिएगा। हम लोग जो है एक्सप्लोर ब्यूटी शो करते हैं आप लोगों के लिए, आप लोग देख सकते हैं। और यार बदकिस्मती की वजह से मोबाइल के स्पीकर में पानी चला गया कि अभी दोबारा में एडिटिंग करना पड़ रहा है, दोबारा में बातें करना पड़ रहा है। तो चलो खैर, ये तो होता रहता है। अभी जो है उसमें बहुत ज़्यादा खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री वहाँ पे हम लोगों ने किया था, तो वहाँ पे एक अलग ही मज़ा था तो लाइव दिखाने के लिए। अभी तो बिल्कुल व्यू हो सकता था, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग देख लें कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत व्यू है। और अली भाई भी कह रहे हैं कि आप लोग इस जगह पर आ जाए, एक्सप्लोर कर ले, आप लोग ये जगह देख ले। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोग पानी भी देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सारे बहुत ही इंजॉय कर रहे थे और सब नहा रहे। और तकरीबन सुबह 6 बजे के बाद से हम लोग नहा रहे थे, फिर सुबह तकरीबन 9 से 10 बजे तक तो बहुत ज़्यादा बिल्कुल किसी का दिल भर ही नहीं रहता था। तो सुबह से ये लोग नहा रहे थे और नहा रहे थे और नहा रहे थे, कोई कहाँ पे तो कोई कहाँ पे। तो मैं तो खुद अपना एक्सप्लोरिंग कर रहा था, अपने एक्सप्लोरिंग में बिज़ी था। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के लिए मैं एक ब्लॉग बना रहा था, तो एक वीडियो बना रहा था, तो आप लोग देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा नज़र आ रहा होगा। तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत मौसम भी था, तो बहुत मज़ा आया। आप लोग देख सकते हैं कि हमारा खूबसूरत बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा ऐसी जगह हैं कि अभी तक अनएक्सप्लोर हैं। तो इंशाल्लाह हम अपनी पूरा पूरा कोशिश करते हैं कि उनको एक्सप्लोर कर लें, आप लोगों तक पहुँचाएँ। और यहाँ से थोड़ा और आगे आके आप लोगों को एक और व्यू दिखाते हैं कि यहाँ पे पानी भी थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, और सामने जो आप लोग पहाड़ देख रहे हैं, पहाड़ों में बहुत ज़्यादा एक सुकून है। तो पहाड़ों का एक अपना सा कोई मज़ा है। तो यहाँ पे अगर आप लोग होते तो आप लोग हैरान हो जाते। और यहाँ के पहाड़ बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद है, यहाँ से 5 मिनट पीछे देख लिया अगर आप, उनका व्यू अलग होगा। और 5 मिनट आगे आके तो इनका फिर व्यू अलग हो जाता है, बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद पहाड़ है यहाँ पे, और एक फर्श टाइप बने हैं, सब बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आप इसको छू ले तो आप यकीन नहीं करेंगे कि ये पहाड़ है या कुछ और है। तो आप लोग व्यू देख ले, और आप और 10 मिनट और आगे आके आप लोगों के और व्यू मिलता है। तो ये पानी कम अज़ कम, अगर आप इस पानी में 2 से 3 घंटे चलते रहे तो ये पानी ख़त्म होने का नाम नहीं लेते, ये बहता रहता है। और आगे जितना आप आगे जाओगे ये उतना आगे जाएगा, बिल्कुल ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। आप लोग देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ा है। और यहाँ का व्यू भी अलग हो, तो बादल वगैरह भी काफ़ी आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं, बारिश भी होने को था। तो अभी हम लोगों को और भी कुछ नहीं रहा क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ अपने सामान वगैरह समेटते हैं और अपने और तैयारी करने है निकलने का, क्योंकि अगर यहाँ पे फंस गए तो फिर यहाँ का पानी जो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होगा। रास्ता तो इसका बहुत ख़राब था, इससे अफसोस एहतियात बेहतर है कि उससे पहले हम निकल जाएं। आप लोग बूटी देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत। वापस चलते हैं अपनी बैक साइड पर जहाँ से हम लोग आए थे, तो वापस उसी साइड पर चलते हैं। आप लोगों को इसका व्यू भी दिखा दिया, आपको ये भी देख लिया, तो इंशाल्लाह जाएंगे वापस पीछे की तरफ और आप लोगों को उसी का व्यू दिखाएंगे।
और वापसी पे यहाँ पे पहुँचने पर देखा तो बच्चा पार्टी जो है मछलियाँ पकड़ रहे थे, तो हमने सोचा क्या है, हम भी कुछ इंजॉयमेंट करते हैं और ट्राई करते हैं कि मछलियाँ पकड़ सकते हैं या नहीं है। तो हमारा अपना एक आइडिया था, एक अपना फार्मूला था, तो इसको अप्लाई कर रहे थे, देख रहे थे कि इसमें मछलियाँ पकड़ सकते हैं या नहीं पकड़ सकते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं अभी इंशाल्लाह हैंड में इसका रिज़ल्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि इसमें मछलियाँ थे या नहीं आते। पहले बारी में तो बिल्कुल एक भी मछली हाथ नहीं लगे, एक दो लगे वो काफ़ी ज़्यादा छोटे थे, उनको वापस छोड़ दिए। तो अभी एक और ट्राई मारेंगे इंशाल्लाह, लोगों को वो भी दिखाएंगे और आप लोग वो भी देख ले। तो देखते हैं कि क्या सीन होते हैं और क्या नहीं होते हैं, इंशाल्लाह आपके साथ आगे वाला भी वो व्यू शेयर करेंगे कि कितनी मछलियाँ आती हैं और कितनी नहीं आती हैं। तो पानी आप लोग देख ले, बहुत ज़्यादा खूबसूरत साफ़ और शफाफ पानी है, फुल ग्रीन है। तो एक एक पत्थर नज़र आ रहा है पानी में, तो इस तरह पानी बहुत कम मिलेगा आपको, ख़ास तौर पर फिर पाकिस्तान के कुछ इलाकों में। तो हमारा बलूचिस्तान में काफ़ी एक ऐसे इलाके हैं जिसमें पानी बहुत खूबसूरत और साफ़ शफाफ मिलेगा आपको पानी। तो उसमें उनमें से एक जगह ये भी है कि आप लोग ये भी देखें। और हमारे एक ये सईद भाई है जिनको स्विमिंग बहुत अच्छा आता है, तो आप इनका स्विमिंग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो पानी बिल्कुल कम है, तो अगर ज़्यादा पानी होते तो वहाँ पे भी ट्राई कर लेते। मुझे तो बिल्कुल नहीं आता क्योंकि मेरे तो काम ख़राब है, तो पानी चला जाता है। अभी ये मछलियाँ भी पकड़ लिए, तो अभी दिखाते हैं आप लोगों को मछलियों का कि एक मछलियाँ किस तरह है। और ये बच्चा पार्टी है मछलियाँ देख रही, और वो आप लोग देख सकते हैं मछलियाँ उड़ रही हैं। और अगर आप लोगों को हमारा व्लॉग पसंद आया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे भी शेयर करते रहिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।